अपने YouTube चैनल डॉक्टर मलेगी। दोस्तों आज हम आपको एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सीरप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको पीते ही आपके नसों नसों में यह सीरप जो है वह जान फूंक देता है। तो उतने समय आप इस सीरप को लेकर के अपने कमजोर नसों को आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों हम बात करते हैं न्यूरोकास सिरप के बारे में। यह सिरप जो है यह आपके कमजोर नसों में, अगर आपके नसों में बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है तो उसमें यह जान फूकने का काम करता है, क्योंकि नसों की वजह से आपकी पूरा शरीर जो रहता हुआ दर्द करने लगता है। अगर आपके शरीर में पोषण की कमी है या एनीमिया की कमी है, या आपको थोड़ा सा भी भूख नहीं लगता है, दिन भर आप बिना खाए रह जाते हैं, तो उतने समय यह सीरप जो है यह बहुत ही अच्छा सीरप है। अगर इस सीरप का प्रयोग आप कर रहे हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही आपका शरीर बदलना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे गुण हैं, तो चलिए जानते हैं कि वह और कौन कौन से गुण हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे करेंगे। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो वह भी बहुत जल्दी पूरा कर देता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, तो उतने समय भी यह आपके बाल को झड़ने से रोकता है। इसके साथ साथ अगर आपकी तंत्रिका तंत्र के विकारों में अगर दर्द रहता है तो उसे भी यह सही कर देता है। अगर आप गठिया से परेशान हैं, गठिया में बहुत ज्यादा आपको दर्द रहता है, तो वह भी यह सही कर देता है। अगर आपके हाथ पैर में दर्द रहता है तो वह भी यह सही कर देता है। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो वह भी यह सीरप सही कर देता है। अगर आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल है तब भी वह सही कर देता है। अगर आपके शरीर में जस्ते की कमी है तब भी यह सही कर देता है। और इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में तांबे की कमी है तो अभी यह पूरा कर देता है। अगर कुपोषित बच्चों को बार बार दस्त जैसी समस्या हो रही है तो अभी यह सही कर देता है। अगर आपके शरीर में सेलेनियम की कमी है तो अभी पूरा कर देता है। विटामिन B6 की कमी है तब भी वह पूरा कर देता है। आपके शरीर में बायोटिन की कमी है तब भी यह पूरा कर देता है। कॉपर की कमी है तब भी यह पूरा कर देता है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिला करके यह सीरप तैयार किया गया है। अगर इन सब की समस्या आपके शरीर में है तो यह सीरप जो है आपको हफ्ते भर में आपका शरीर बदल देगा। अगर आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं तभी आप एक हफ्ते में आपके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा खून की कमी है तब भी आपका खून यह पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों यह सीरप जो है यह मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है, जो आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर लगभग आप 150 रुपए का इस सीरप को आप ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस सीरप का पीने का तरीका क्या है। दोस्तों इस सीरप को अगर आप पी रहे हैं तो सबसे पहले इस सीरप को आप हिला लें, अच्छी तरह हिला करके 10 ml सुबह 10 ml शाम खाना खाने के बाद इस सीरप को आप पी सकते हैं। वहीं अगर आप छोटे बच्चे हैं तो 5 ml एक बार दिन में आप इसे पिला सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस सीरप में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं। दोस्तों इस सीरप में बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, जैसे आपको आयरन मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, आयोडाइड मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, मेकोबालामिन मिल जाएगा, विटामिन B6 मिल जाएगा, सेलेनियम मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट या इंग्रेडिएंट इस सीरप में मिलाए गए हैं जो आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे। दोस्तों अगर कोई भी समस्या इस तरह की आपको हो रही नसों संबंधी, उतने समय इस सीरप को लेकर के आप अपनी नसों जैसी कोई भी समस्या को आप सही कर सकते हैं, चाहे वह गठिया भी बीमारी ना हो, चाहे आपको भूख ही क्यों नहीं लग रहा, वह सब सही कर देता है। चलिए जानते हैं कि इस सीरप के कुछ साइड इफेक्ट है कि नहीं। दोस्तों इस सीरप के वैसे तो नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई भी बदलाव हो रहा है, जैसे आपका सर दर्द कर रहा है, या आपको नौजिया आ रहा है, या आपको फीवर हो, या वोमिटिंग का शिकायत है, या इचिंग हो रहा है, तो अगर कुछ भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उतने समय सीरप को बंद। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहे। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद।